नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जल यात्रा के साथ गौ भक्ति महोत्सव का आगाज, आगरिया में 7 दिन बहेगी भक्ति की सरिता। राजसमंद श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला आगरिया में शुक्रवार को भव्य जल कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्री गौ भक्ति महोत्सव का आगाज हुआ। प्रातः 9 बजे मंडी महादेव कुमावत मोहल्ला आगरिया से विशाल जल कलश यात्रा शुरू हुई, जो 11:15 पर पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर जल कलश लिए पीले वस्त्र एवं चुनरी पहनकर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट, गाड़ी, विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां, बैंड, डीजे व परंपरागत वाद्य यंत्र भक्ति गीतों की स्वर लहरियां बिखेर रही हैं, तथा वाद्य यंत्रों पर भक्त नृत्य करते हुए चल रहे थे। युवा हाथों में केसरिया पताकाएं लिए गौ माता का जयकारा लगा रहे थे। शोभा यात्रा के कथा स्थल पर पहुंचने पर पंडित पुष्कर पारीक द्वारा विधि विधान पूर्वक एवं मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना करवाई गई। पथमेड़ा से आए पंडित हरीश और पंडित करण द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन करवाया गया। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण चेतना एवं आध्यात्मिक चेतना यात्रा के प्रेरणा एवं संयोजन कथा व्यास संत गोपाल नंद सरस्वती, गौशाला अध्यक्ष महामंडलेश्वर सीताराम दास, संत हरिदास सहित संतों व साध्वियों के सानिध्य में निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों गौभक्त महिला पुरुष उपस्थित थे। 3 किलोमीटर लंबी निकली शोभा यात्रा कथा के शुभारंभ पर निकाली गई शोभा यात्रा ने करीब 3 की दूरी तय की। शोभा यात्रा में महिला पुरुष व वाहनों का जमावड़ा ही 1 किलोमीटर लंबा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।